हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो आज मैंने ट्रेड किया है। कुछ तो स्टॉक्स में आपके बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस जो है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे मैंने लेवल्स लगा के रखा हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो आज वैसे ही हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3770 यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पिछले का जो रेसिस्टेंस है वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो वैसे ही आज भी देखिए फ्रेंड्स कैसे बुलिश था। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली 3770 तक पहुँचने की संभावना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वही यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लार्सन एंड टर्बो में देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं एक एक यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, मैं जिस जिसने ट्रेड किया हूँ आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ट्रेड किया हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इक्विटी और ऑप्शन में ट्रेड किया हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं पहला बजाज फाइनेंस में डिस्कस करूँगा। बजाज फाइनेंस में देखिए मैंने कुछ ज़्यादा ही लॉस किया हूँ, 700 के आसपास ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने का वजह था, एक्चुअली मुझे कैंडल मिला था कि ये बेरिश हो सकता है 5 मिनट के कैंडल में, लेकिन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट किया था ये बेरिश कैंडल, लेकिन नहीं हुआ बेरिश, यहाँ पर बेरिश हुआ था, तो इसकी वजह से मुझे लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं यू क्रॉस हुआ बजाज फाइनेंस पर, मैं एक और एक पुट भी लिया था, उसमें भी मेरा 250 रुपये का क्रॉस हुआ, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे 907 रुपये का बजाज फाइनेंस क्रॉस हुआ है। और वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा काम करेगा मैं आपको पहले ही बोला था, लेकिन मैं कैसा 5 मिनट कैंडल में स्कैल्पिंग करता हूँ फ्रेंड्स, तो स्कैल्पिंग में सिर्फ कैंडल स्टिक्स बेस के ऊपर ही मैं काम करता हूँ, ठीक है, प्राइजेक्शन के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर लार्सन एंड टर्बो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं दो ऑप्शन में ट्रेड किया हूँ लार्सन एंड टर्बो में, और इक्विटी में भी किया हूँ, इक्विटी में 50 इक्विटी किया, उसमें 120 रुपये का प्रॉफिट मिला है। और यहाँ पे देखिए एंटी में देखिए फ्रेंड्स, एक स्ट्राइक प्राइस में 302 रुपये मिला और दूसरा एक स्ट्राइक प्राइस में 880 रुपये मिला, मतलब ओवरऑल यहाँ पर मुझे 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है लार्सन एंड टर्बो में, क्योंकि यहाँ पे बेरिश था, इसके लिए मैं यहाँ पर मैंने पुट लिया हूँ और यहाँ पे शॉर्ट किया था मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो का अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1025 रेजिस्टेंस है और 896 यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, ठीक है। आज मुझे लगा था बेरिश एक्सपीरियंस मुझे ऑप्शन में और शॉर्ट करना पड़ा मुझे, ठीक है फिर ऑप्शन लिया, ऑप्शन पुट लिया और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स कितने स्टॉक में यहाँ पे शॉर्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं रुका, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 983 क्लोज हुआ आज के दिन। पर वही सन फार्मा देखे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सन फार्मा देखे फ्रेंड्स, आज मेजर रेजिस्टेंस के जैसा काम किया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना जबरदस्त मोमेंट, आज 5-6% मोमेंटम देखने को मिला सन फार्मा में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ऐसा काम किया है, फिर रिवर्सल हुआ है, 554.95 की क्लोज हुआ है आज के लिए। इसमें मैं ट्रेड किया हूँ फ्रेंड्स, देखिए सन फार्मा में इक्विटी में ट्रेड किया हूँ, यहाँ पे 321 रुपीज़ प्रॉफिट मिला है। और वही यहाँ पे ऑप्शन भी लिया हो जिसमें 490 रुपये का प्रॉफिट मिला, ओवरऑल मुझे यहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ये हो गया सन फार्मा का अगर लेवल देखा जाए तो अभी देखिए फ्रेंड्स रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस आ चुका है 510 और सेकंड रेसिस्टेंस आ चुका है 601 के पास, और मेजर सपोर्ट है 517 के आसपास और सेकेंड सपोर्ट लेवल है 466 के पास। अगर कल देखते हो फ्रेंड्स मंडे के दिन अगर ये गैप ओपन होता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस सपोर्ट के जैसे काम करना, फिर रैली करेगा 601 तक, ओके फ्रेंड्स। ये हो गया सन फार्मा, भी देखते हैं फ्रेंड्स इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में देखिए फ्रेंड्स आज जो रेजिस्टेंस था ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया फ्रेंड्स देखिए कैसा रैली हुआ है,
कल और आज एकदम जबरदस्त रैली हुआ है, 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है कल और आज के दिन। आज तो 10% के ऊपर चला गया है 10 हज़ार, लेकिन मैं इसमें भी कुछ ट्रेड किया हुआ, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या किया हुआ यहाँ पर दिखाने को। 10 हज़ार को मैंने इक्विटी में किया हुआ, यहाँ पर इक्विटी ने 700 रुपये का मैंने लॉस किया आपको बता दिया, और यहाँ पर 400 रुपये फूट में, यहाँ पर 400 रुपये प्रॉफिट आया बस। बाकी ये तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक्सिस बैंक में लिया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे भी एक पिरामल इंटरप्राइजेस में 300 रुपये का प्रॉफिट आया है, और इंडसइंड बैंक में 700 का लॉस, लाल सैन कपूर 120 का प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस में 711 का लॉस, सन पावर में 321 का प्रॉफिट, ICICI बैंक में 0, और यहाँ पे बजाज फिन सर्विस में 445 का लॉस, एक्सिस बैंक 145 का लॉस, सिप्ला में 110 का प्रॉफिट। यहाँ पर इक्विटी में देखिए कुछ इतना आजकल 50-50 हुआ है इक्विटी में, और बजाज और यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, बजाज फिन सर्विस में 337 का प्रॉफिट, ट्रांसन में 302 का, बजाज फाइनेंस में 250 का लॉस, सन पावर में 490, एलटी में 880, एक्सिस बैंक में 240, इंडसइंड बैंक में 400, HDFC में 255 और ICICI बैंक में 136। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन में किया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन में ओवरऑल मेरा एक ही माइनस में है बस। यहाँ पे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस का एक ही माइनस में, बाकी सब प्लस में है। और यहाँ पे इक्विटी में देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन वो 4 जो है मेजर लॉस हुआ है, 700, 400, 500। तो ये इक्वल हो चुका है दोनों के बीच में इक्विटी में, इक्विटी में नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है सबसे ज़्यादा, और इसमें मेरा ओवरऑल 1731 1731 का प्रॉफिट हुआ है। और आज का मेरे को देखा जाए तो इसमें 12,000 रुपये तक मेरा ब्रोकरेज जाने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा उस फील्ड हुआ है आज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ है आज के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडसइंड बैंक में भी खास नहीं था आज के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और आपको एंजल ब्रोकिंग में या ट्रेड बुल में या स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फ्रेंड्स, वह लिंक के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप ऐसे अकाउंट ओपन करेंगे लिंक के माध्यम से तो आपको 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैशबैक मेरे पर्सन में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेंड्स स्टॉक का, ये वीडियो आप जरूर देखिए, तो उसके माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें आप फ्रेंड्स ऑफस्टॉक प्लस इंडसइंड बैंक का सेविंग अकाउंट भी है फ्रेंड्स, 0 बैलेंस के साथ को दे रहा है। एक बार जरूर देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कैसा अकाउंट ओपन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में मिलते हैं, आने वाले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय, टेक केयर।